हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है, और वायरल इसलिए हो रहा है कि खेसारी लाल यादव जो पिछले दिनों चमकी बुखार से ग्रसित बच्चों को देखने गए थे और उस पर बवाल हुआ था, उसे लेकर खेसारी लाल यादव अपनी सफाई इस इंटरव्यू में दे रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में वो क्या खास कह रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव पे हमेशा तोहमतें लगती रहती हैं कि वो दिखावा करते हैं, वो अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, बल्कि वो वैसे है नहीं जैसे वो दिखते हैं। लेकिन यहाँ इस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया, दिया भी जवाब तो क्या बखूबी दिया। वैसे भले ही खेसारी लाल यादव पर लाखें तोहमतें लगती रहें, लेकिन खेसारी लाल यादव हर उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ मुसीबत से ग्रसित लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पे ही उनकी नज़र रहती है, अगर बिहार दुख में है तो खेसारी लाल यादव वहाँ हैं। ऐसा कई मर्तबा हुआ है कि जब बिहार से अलग समस्या रही हो और खेसारी लाल यादव वहाँ ज़रूर पहुँचे हैं। खैर, यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव ने इस इंटरव्यू में और क्या खास कहा है। खेसारी लाल यादव ने इस इंटरव्यू में ये खास कहा है कि उन्हें लोक सेवा यानी कि सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। लोग अगर मुसीबत में हैं तो वो किसी भी तरह उनकी मदद करना चाहते हैं, खासकर अगर वो बच्चे हैं तो। आपको यहाँ ये बता दें कि खेसारी लाल यादव का बच्चों से गहरा लगाव है। यहाँ जब खेसारी लाल यादव से ये पूछा गया कि आप ये इतना जनकल्याण करते हैं, इतने पैसे दान करते हैं, क्या आपकी पत्नी को बुरा नहीं लगता, तब खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि जिस औरत ने एक साड़ी पहनकर मेरे साथ 6 महीने का संघर्ष किया हो, आज तो उसके पास साड़ियों का भंडार है। जो औरत कभी बगैर पंखे के सोती थी, उसके पास 2-2 AC नुमा कमरे हैं, उसे क्यों बुरा लगेगा कि मैं इतना दान धर्म कर रहा हूँ। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी उसी के नाम पर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खास बात खेसारी कहकर सभी का दिल जीत ले गए। खेसारी ने ये कहा कि आज अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा परिवार मुझे 2-4 महीने या 2-4 दिन याद रखेगा, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा काम कर गया, लोगों के दिल में उतर गया, तो मेरा नाम लोग काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे कि एक खेसारी लाल यादव था जिसने ये इतना और फलाना अच्छा काम किया। खैर, ये सारी बातें सुनने के बाद भले ही खेसारी लाल यादव पे लाख तोहमतें लगती हों कि खेसारी दिखावा करते हैं, खेसारी अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी। भले ही उनके विरोधियों को उनका कार्य दिखावा ही लगता हो, लेकिन खेसारी जो करते हैं वो सुर्खियां बन ही जाती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।